हेलो बीच पार्टी, वेलकम बैक टू चैनल दर्श। और आज हम बात करने वाले हैं अलायंस बैटल एक्सट्रीम की, और वो भी नो रेस्ट्रिक्शन डे की। तो मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में, तो मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अब अलायंस बैटल एक्सट्रीम पूरी तरह चेंज हो चुका है। काफ़ी तगड़ा लगता है अलायंस बैटल एक्सट्रीम, और यार मज़ा आ रहा है खेलने में क्योंकि अब मंथली वाइज उसका पीरियड चेंज होगा, जो अपना फ्रॉस्ट जायंट है उसकी कमी चेंज होगी, यू नो, साइलेंस पैरालाइज एंड ऑल। तो यार पहले कंपैरिजन में अब अलायंस बैटल एक्सट्रीम काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इजी, क्योंकि अभी साइलेंस का मन चल रहा है और साइलेंस करना बहुत इजी हो गया। पहले तो ट्रिक था एक, क्योंकि MMF ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि यार ये कैसे वर्क कर रहा है, कभी ऑफिशियली आ गया क्यों नहीं बताया, लेकिन इस अपडेट के बाद यार अपने को पता है कि भाई ये चीज़ कैसे काम करती है। और हमारे पास एक विंडो है प्रॉपर जब हम अपना रोग कैंसिल कर सकते हैं साइलेंस करके फ्रॉस्ट जायंट को, क्योंकि गेम अब खुद बता रहा है कि भाई अब साइलेंस करो, हमको टाइम नहीं लगाना है, अब एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो गया है। इस वजह से ओडिन बहुत ऊपर आ गया यूजेबिलिटी में। तो यार मेरे अकॉर्डिंग ओडिन बेस्ट कैरेक्टर है इस डे के लिए, क्यों है वो मैं बताता हूँ अच्छे से। एंड अगर आपको डायरेक्टली एबीएक्स करन देखना है तो मैं इन डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूँगा, तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो उस पर टाइम क्लिक करके, वरना कहानी सुननी है तो कंटिन्यू करो। और हाँ, आगे बढ़ने के पहले हैशटैग इम्प्रूव ABX रिवॉर्ड्स प्लीज़ कमेंट भर दो भाई, मेरा भी और MMF का भी जो ऑफिशियल पोस्ट करते हैं जो भी, हैशटैग इम्प्रूव ABX रिवॉर्ड्स, क्योंकि ABX में चेंजेस तो लाए हो लेकिन रिवॉर्ड्स में कोई चेंज नहीं लाए। एंड इसके लिए आई एम डेफिनेटली गोना मेक अ सेपरेट वीडियो, बट यू नो इट विल टेक सम टाइम। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट ओडिन। ओडिन क्यों सबसे अच्छा है? क्योंकि भाई ओडिन साइलेंस कर सकता है, ओडिन सिर्फ एक स्किल पर नहीं बल्कि दो स्किल्स पर साइलेंस कर सकता है, उसका फोर्थ स्किल एंड टीयर थ्री स्किल, और काफ़ी लंबा साइलेंस है 3 सेकंड 2 सेकंड्स का। बट अब गेम खुद आपको बताने वाला है कि भाई साइलेंस कब करना है आपको, फिक्र की बात ही नहीं बची अब कोई, तो यार इसलिए बहुत ईजी हो गया। और मेरा ओडिन का जो बिल्ड है वो बहुत बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अभी तक अगर आप दूसरे क्रिएटर्स का बिल्ड देखते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स का, कि भाई लूना ने 7 मिलियन हिट किया है या किसी और कैरेक्टर ने हिट किया है, तो उनका कैरेक्टर बिल्ड जो बहुत शानदार होता था, उन्होंने सब कुछ दे दिया होता था पूरा अपना, जो भी बिल्ड बना सकते हैं तगड़ा बिल्ड बनाते थे उसको कैरेक्टर को, उसके बाद उनका 7-8 मिलियन हिट होता था। लेकिन ओडिन का ऐसा नहीं है, ओडिन के साथ नॉर्मल बिल्ड के साथ भी आप आराम से 7 मिलियन 8 मिलियन 9 मिलियन हिट कर सकते हो, और तो क्या 7 मिलियन पर है, हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हाँ आप ईजिली हिट कर सकते हो बिना किसी टेंशन लिए। सबसे पहले मैं अपने बिल्ड्स आपको दिखाता हूँ, और पहले चलते हैं हम कार्ड्स में। ओके, तो यार अगर आप देखोगे मेरे कार्ड्स बहुत नॉर्मल है, कार्ड्स सर्च देखोगे तो डायरेक्शन सही है मेरे कार्ड्स के, लेकिन बहुत ही एवरेज स्टेट्स है। 40% और अटैक इज नॉर्मल, एनर्जी अटैक 21% नॉर्मल, बाकी सब चीज़ नॉर्मल है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि 50-60% और अटैक हो, एनर्जी अटैक हो, वैसा कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल अटैक स्पीड सब कुछ नॉर्मल है। और उसके बाद चलो हम बात करते हैं टीम की, जो टीम हम यूज़ करने वाले हैं इस डे के लिए, तो वो है निक फ्यूरी की लीड ऑब्वियसली, उसके बाद है फिल कोल्सन, वाइट फॉक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओडिन के पास लीडरशिप टैग नहीं है। ओके, तो फिल कोल्सन उसके लिए, एंड देन ऑब्वियसली ओडिन। अब हम ओडिन की बात करें, ओडिन का बिल्ड मैंने ऑब्वियसली पहले भी दिखा चुका हूँ अपना, तो जस्ट बेसिकली ओवर दे देता हूँ कि ओडिन की जो एनर्जेटिक काफ़ी अच्छा है, HP भी काफ़ी अच्छी है, अभी उसको टीम बोनस भी मिल रहा है इस वजह से, लेकिन ही इज़ प्रीटी गुड। ओके, और यहाँ पर डिटेल्स भी जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इज़ अ मैक्सड आउट है, जो मैक्स नहीं है वो गेम में स्किल्स की वजह से मैक्स हो जाती हैं, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और उसके अलावा यूनिफॉर्म ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे, तो यूनिफॉर्म ऑप्शन मैं देखो कुछ भी इनेबल नहीं सही सा, सिर्फ इग्नोर डिफेंस एंड क्रिट रेट, और बाकी चीज़ें आप इनेबल कर सकते हो, तो इट्स वेरी फ्री टू प्ले बिल्ड। ओके, तो और ऑब्वियसली CTP ऑफ रेस तो देना ज़रूरी ही है, क्योंकि बिना उसके नहीं होगा भाई, एंड उसके भी आप हिट कर सकते हो, अच्छा खासा हिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ताबड़तोड़ तबाही मचा देनी है तो भाई रेज ज़रूरी है उसके लिए। तो ओके, सो ये हो गई बिल्ड की बात, और अब हम इसके बाद रन करेंगे, अपने बेस का रन करेंगे, और फिर मिलते हैं रन के बाद, है ना। चलो लेट्स डू इट। Thank you.
तो यार हमारे ओडे ने तबाही मचा दी एकदम, क्या तगड़ा खेला यार। और बहुत ही इजीली हमने रोड कैंसिल कर लिए, इजीली अपन ने कैप कर दिया स्कोर। तो यार अगर जो अगर आप सोच रहे अभी तक किस कैरेक्टर को बिल्ड करें, तो ओडिन इज़ द बेस्ट कैरेक्टर एट दिस मोमेंट जो आपको एबीएक्स में 7 अपनी इजी रीड कराएगा। तो अगर आप परेशान हो एबीएक्स में अपनी अपनी टीम में नीचे रैंक कर रहे हो, तो आपके पास टाइम आ गया। एंड ओडिन 2 दिन यूज़ हो सकता है, तो फर्स्ट ऑब्वियसली आपके लिए हिट कर देगा कैप। दूसरा जो यूनिवर्सल हीरो डे है उस दिन भी आप एटलीस्ट 3 to 4 मिलियन हिट कर लोगे, और क्योंकि तो रोड कैंसिल इज मच इजियर, तो 5 मिलियन भी हिट हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट इट। एंड यार वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक किए बिना मत जाना भाई। एंड हाँ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू। ओके ऐसा कंटेंट और मिलेगा आपको यार, और अच्छा कंटेंट भी मिलेगा, डोंट वरी। एंड चलो तब तक में ध्यान रखो, खुश रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।